आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मुलाजिमों को किसी दूसरे विभागों में तब्दील किया जाए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर असेंबली के 30 से ज़्यादा मुलाजिमों को दूसरे विभागों में ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उस समय जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि वे जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव करवाना चाहते हैं, और आज भी अमित शाह जी का ये बयान आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ये भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, चुनाव करवाए जाएंगे और विकास के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों में हर्डल्स रुकावटें डाल रही है। जैसे आपने देखा कि दरबार मूव रोक करके वो जम्मू और कश्मीर को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करवा रहे हैं, और साथ में हमारी मुबारक मंडी को नीलाम करके होटल बनाया जा रहा है। तो ये तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है ये प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के विरोध में चल रही है। और इसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि बाहर के राज्य के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर के नौजवानों को जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, उनकी बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मुलाजिमों को किसी दूसरे विभागों में तबादला किया जाए। आज 30 से ज़्यादा मुलाजिमों को लेजिस्लेटिव असेंबली के मुलाजिमों को तब्दील करके यह ब्यूरोक्रेसी आईएएस ऑफिसर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बहाल नहीं हो और ना ही यहाँ पे चुनाव हो। और इसी के लिए हम आज जब हमने ये तब्दीलियाँ 30 से ज़्यादा मुलाजिमों की हुई तो हमने असेंबली के जनरल सेक्रेटरी साहब से ये जानने का प्रयास किया तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के ये प्रयास हैं कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं और साथ में चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बहाल करना चाहते हैं, तो मैं ये मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कि इन ट्रांसफ़र्स को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, दरबार मूव शुरू किया जाए और साथ में बाहरी राज्य के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाए और हमारे राज्य का दर्जा विशेष अधिकार 370 हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए। इसलिए आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मुलाजिमों को किसी दूसरे विभागों में तबादला किया जाए। आज 30 से ज़्यादा मुलाजिमों को लेजिस्लेटिव असेंबली के मुलाजिमों को तब्दील करके यह ब्यूरोक्रेसी आईएएस ऑफिसर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बहाल नहीं हो और ना ही यहाँ पे चुनाव हो। और इसी के लिए हम आज जब हमने ये तब्दीलियाँ 30 से ज़्यादा मुलाजिमों की हुई तो हमने असेंबली के जनरल सेक्रेटरी साहब से ये जानने का प्रयास किया तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के ये प्रयास हैं कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं और साथ में चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बहाल करना चाहते हैं, तो मैं ये मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कि इन ट्रांसफ़र्स को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, दरबार मूव शुरू किया जाए और साथ में बाहरी राज्य के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाए और हमारे राज्य का दर्जा विशेष अधिकार 370 हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए।